हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू। आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी का मतलब आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको दे रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके करने के ट्रिक्स क्या होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे इस पार्ट को तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, और अगर आप एकदम डिटेल से देखना चाहते हैं बेसिक से तो मैं उसका लिंक आपको कॉर्नर में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी स्मार्ट एसएससी चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन और कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। ज़्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर बताया था, इसका आंसर -1 आएगा। अगर आपका ही -1 आ रहा है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप नहीं समझ पाए कैसे करना था तो आप देखते रहिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट 30° -cot 75° अपॉन में टेन 15° -tan 60°। तो इसको आपको ए और बी फॉर्म में आपको ब्रेक नहीं करना है। आप अगर देखिए यहाँ पर नीचे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो टेन वाली वैल्यूज़ हैं, कॉट वाली वैल्यूज़ हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग सिमिलर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कॉट 30 को टेन में कन्वर्ट करूं, टेन 90 -30 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेन 60 ही तो आएगा बिल्कुल। उसी तरह अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, टेन 90 -75, तो ये क्या आ जाएगा, टेन 15° ही आएगा। तो यही आपको करना था, ऊपर वाली वैल्यूज़ को या नीचे वाली से दोनों वैल्यूज़ को, चाहे कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे टेन में। तो मैं ऊपर वाली इन दोनों वैल्यूज़ को टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया, तो ये हो जाएगा टेन 60° माइनस में ये क्या हो जाएगा, टेन 15°। ओके, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है टेन 15° माइनस में टेन 60°। अब आप माइनस अगर कॉमन ले लीजिए या माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 15° माइनस में टेन 60°, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, टेन 15° माइनस में टेन 60°। ओके, अब देखिए ऊपर और नीचे वाले टर्म्स क्या हो गए, आपस में बराबर होके कट जाएंगे, माइनस है तो एक बचेगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते थे, -1 इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ टेन ए इज इक्वल टू एन टेन बी एंड साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी देन कॉस स्क्वायर ए इज, कि अगर टेन ए इज इक्वल टू ये है और साइन ए इज इक्वल टू ये है तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए इसको करना, या फिर टफ क्या कहूँगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है करना, टफ तो नहीं है। तो हम इसको देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए में पूछा गया है, तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, जितनी भी चीज़ें टेन बी वाली हैं यहाँ पे टेन बी के इक्वल्स में हमको वैल्यूज़ को लाना पड़ेगा। मतलब ये है कि टेन बी को इस इक्वेशन से हमको हटाना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है टेन ए इक्वल्स एन टेन बी। ओके, तो हम टेन बी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, तो टेन बी इक्वल्स लिख सकते हैं टेन ए अपॉन में एन, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए टेन है और ये साइन है, इनके बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ऐसे बनता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, इसका आप जो है टेन को कॉट में कन्वर्ट करिए और साइन को कॉसेक में करिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या मिलती है, मिलती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो आइडेंटिटी मिलती है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन टेन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं पाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, तो आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए टेन को, अगर आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/ में कॉट बी हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए अपॉन में एन, दोनों तरफ को रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट बी इज इक्वल टू एन अपॉन में टेन ए। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से आप इस वाली वैल्यू को लीजिए और कॉसेक वाले टर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये तो मैंने आपको एक एक लाइन करके बता दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ भी वही होगा कि साइन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में एम होगा, तो बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो इसका सीधा सीधा मैं फॉर्म लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक बी इज इक्वल टू एम अपॉन में साइन ए। ओके,
अब कॉसेक भी आ गया और कॉर्ड भी आ गया, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस आइडेंटिटी में रख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है एम अपॉन में साइन ए और इसका होल स्क्वायर, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या है एन अपॉन में टैन ए और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको ओपन अगर आप करिए तो एम अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में एन स्क्वायर, और अगर आप टैन को ओपन करिए तो टैन क्या होता है, तो टैन इज इक्वल टू होता है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, तो अगर आप इसको ओपन करिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो इसके अपॉन में जाएगा, इसका मतलब ये उस वो आपका एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। अब साइन स्क्वायर ए देखिए क्या है, बेस का कॉमन ही है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी जैसे भी जोड़ घट रही वैसे हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए इसका पूरा कॉमन हो जाएगा, तो ये एक से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आप बात नहीं समझ रहे पूरा ही मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम माइनस में एम स्क्वायर होगा, बल्कि ये एम नहीं होगा स्क्वायर हो रहा है, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। साइन स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ओके, ये हो गया। अब आपको वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के टर्म में लानी है, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए है ये तो कहीं रहेगा नहीं, क्योंकि आंसर में भी साइन स्क्वायर ए कहीं नहीं आ रहा। तो आप इसको क्या करिए, आप इस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ओके, जैसे ये माइनस में एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है, मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, वन है इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आप कॉस स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एन स्क्वायर माइनस में वन और इधर तो एम स्क्वायर माइनस में वन है ही, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस में वन। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, देखिए तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन के बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, देखने में क्यों लंबा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था कि सब लोगों को समझ में आ सके, आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, टफ तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू, द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए इज, अगर करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू ये है पाँच बटे दो है, तो आपको बताना है कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर आधारित हैं। कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू आपको दी गई है पाँच बटे दो है, अब आपको इसको ओपन नहीं करना है या वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसकी आइडेंटिटी लिखिए। आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का अगर आप प्रयोग करिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ओके, इज इक्वल टू वन। अब आपको ये पता चल गया कि कॉसेक ए माइनस में कॉट ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू है, तो आप इसकी जगह पे फाइव बाई टू रख दीजिए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन। तो आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, तो ये आपको वैल्यू देगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू बाई फाइव। ओके, अब एक इक्वेशन ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू और एक इक्वेशन ये हो गया प्लस में, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा माइनस में कॉट ए इज इक्वल टू
फाइव बाई टू। अब पता कैसे चला, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कॉट है तो कट जाएगा ये। वहीं अगर आपको कॉट ए की वैल्यू चाहिए होती तो आप इसको घटाते तो ये क्या होता, कॉसेक माइनस हो जाता और ये प्लस में होता, ये कैंसिल आउट हो जाता, कॉट ए बचता बस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉसेक ए, ओके, और ये क्या हो जाएगा, टू बाय फाइव प्लस फाइव बाय टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, फाइव टू ज़ा टेन, टू टू ज़ा फोर प्लस टू फाइव ज़ा टेन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन बाई टेन। लेकिन ये किसकी वैल्यू आ गई, टू कॉसेक ए की वैल्यू आई है, ओके। आपको कॉसेक ए की चाहिए, टू ये जो इधर है इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन में, क्या हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन अपॉन में ट्वेंटी। कौन सा ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो देखिए फोर्थ ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को करने के शॉर्टकट तरीके जो होते हैं उसमें डायरेक्ट आपको बताया जाता है कॉस ए के माइनस कॉट ए इक्वल टू फाइव बाई टू है, तो आप इसका उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू टू बाई फाइव। कैसे आप लिख सकते हैं, तो ये तरीका आपको यहाँ से पता चलता है। अब आगे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप इस पूरे को फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे यही आइडेंटिटी आपकी बन रही है, मतलब सिर्फ एक में ही नहीं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप देखेंगे प्लस में दिया तो आप उसका माइनस करके सीधा उसका अपोजिट कर सकते हैं, फाइव बाई टू है, टू बाई फाइव कर सकते हैं, ऐड करके सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स साइन सिक्सटी इज इक्वल टू वाई कॉसिक थर्टी, देन एक्स की पावर फोर अपॉन वाई की पावर इज इक्वल टू, कि अगर एक्स साइन सिक्सटी इज इक्वल टू वाई कॉसिक थर्टी है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको x बाई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो कैसे होगा, तो y को हम इधर लेके आएंगे x के पास और साइन 30 को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये हो क्या जाएगा, x अपॉन में y इज इक्वल टू, ये है cosec 30 अपॉन में साइन 60 जाएगा, अपॉन में साइन 60 जाएगा, चलिए साइन 60 ही लिख लीजिए, साइन 60 हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। अब आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट cosec 60 लिख सकते थे, इधर अपॉन में साइन 60 है कॉसेक 60 लिख सकते थे, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, एक्स वाई वाई कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, तो बाय जो होगा वो ऊपर आ जाएगा 2, तो ये आ गया, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन में रूट 3, तो ये एक्स बाई वाई की वैल्यू है। अब आपको इसकी पावर 4 निकालना है तो आप इसकी पावर 4 कर दीजिए, मतलब इसकी पावर आप 4 करिए, क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणे 4 16 गुणे 4 64 गुणे 4 256 आ गया। अब रूट 3 का 4 बार आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2, और ये कंडीशन दिया गया है कि 0 डिग्री जो बी है वो 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा है, और वो ए से छोटा है, और जो ए है वो 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, तो आपको बताना है साइन 2a प्लस बी अपॉन में 3 की वैल्यू क्या होगी। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है या फिर मजबूत नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड का समय लगता है, अगर आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने दो एंगल्स दिए गए हैं, साइन ए प्लस कॉस बी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए नहीं लिखा है, साइन ए एक अलग एंगल है और बी एक अलग एंगल है, इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या बताता है कि ए वाला एंगल बड़ा है बी से और उसके बराबर नहीं है, बड़ा है, और जो बी वाला एंगल है वो क्या है, 0 के या तो बराबर है या तो उससे छोटा है, और ए वाला या तो 90 के बराबर है या तो उससे छोटा है। तो आपको इसमें बस कुछ करना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आप ए और बी की वो कौन सी वैल्यू रख दें यहाँ पे कि ये 2 के बराबर हो जाए, आपको इसको 2 के बराबर रखना है। तो आप अगर देखिए, ये 1 अगर हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1 कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तब होता है 1। तो ये अगर हो जाए साइन 90 डिग्री प्लस में, इसी तरह कॉस क्या हो जाए, तो ये कॉस हो जाए कितना, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको एक बार फिर से चेक करना होगा, a 90 हो सकता है क्या, अगर यहीं पे इक्वल टू वाला साइन नहीं होता कंडीशन में, तब आप ए की वैल्यू 90 नहीं रख सकते थे, तब आप रखते तो वो गलत होता, आपसे एग्जामिनर कुछ और चाह रहा था और आपने कुछ और तिकड़म यहाँ पे लगा दी। इसी तरह यहाँ पे भी अगर इक्वल नहीं होता बी की जगह पे, तो भी आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये इक्वल होने से सहूलियत आपको मिलती है। तो आपको ये पता चल गया, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया,
मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 90 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0। बस इतना ही करना था। अब आपसे पूछा गया साइन 2a प्लस b अपॉन में 3 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ साइन 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 90 गुणे में 2 180 हो जाएगा, और b का मतलब 0 हो जाएगा, तो 180 बटे में 3 काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2 होती है। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। a बाई टू का मतलब क्या हो गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। कॉस a बाई थ्री, कॉस a बाई थ्री का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू है 90 अपॉन में 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री ये किसके बराबर होता है, ये कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है इफ कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 2/3, देन द वैल्यू ऑफ 2, ये 2 नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 कितना होगा। तो आपको ये इक्वेशन दिया गया और इस इक्वेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो इक्वेशन लिखा हुआ है उस पर केवल ध्यान दीजिए। उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में अगर आप इसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ओके, हमने कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई अपने से कुछ नहीं किया, बस इसको ब्रेक कर दिया है पावर्स को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा मतलब इसी के साथ होगा, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 ही होगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी का बचा केवल कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। आपको क्या वैल्यू चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 की। तो आप अगर साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको क्या पता चलेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ओके, फिर से आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, और इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, ये भी 2/3 ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2/3, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, मतलब बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में वैल्यू आपकी सेम थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है इफ टेन ए इज इक्वल टू 7/3, देन द वैल्यू ऑफ 3 साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 3 साइन ए माइनस 2 कॉस ए। कि टेन ए की वैल्यू अगर आपको दे दिया कि ये है, तो आपको बताना है इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, ये आपका मान लीजिए एंगल ए है, तो टेन ए की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपने बना लिया तो आप हाइपरटेन्यूस निकाल सकते हैं यहाँ से, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 49 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 58, तो ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट 58। ओके, अब आपको ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में अंडर रूट 58, कॉस की वैल्यू निकालनी है 3 अपॉन में अंडर रूट 58, तो बस आप उसमें लिख लीजिए इसको, तो 3 × में ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में अंडर रूट 58 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 × में ये हो जाएगा 3 अपॉन में अंडर रूट 58। ओके, अपॉन में ऐसे ही लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 × में 7 अपॉन में अंडर रूट 58 माइनस में ये क्या हो जाएगा, 2 × में 3 अपॉन में अंडर रूट 58। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 58 देखिए दोनों तरफ ऊपर नीचे ये आपका कॉमन ही निकल के आता है, सेम ही है, तो ये आपस में कट ही जाएगा, इसमें और कुछ होना नहीं है, बस ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ आपको बस लिखनी है। 7 × 21 और 3 × 2 = 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 बटे में 7 × 21 और माइनस 6 करेंगे तो 21 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा, 15, 3 से काटेंगे 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15 कितना आ गया, तो ये आ गया 9/5, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9/5, दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक तरीका इसको करने का ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको पता होगा कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये तो आपको पता ही होगा।
तो आपको जब लिखा हुआ है कि टेन ए इज इक्वल टू 7/3 है, ओके, टेन ए इज इक्वल टू 7/3 है, तो आप साइन ए इज इक्वल टू 7 रख दीजिए और कॉस ए इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिलेगी। रख करके देखिए, अगर यहाँ पे मैं रख के देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 × में साइन ए है तो 7, प्लस में 2 × में कॉस है तो 3, अपॉन में 3 × में 7, माइनस में 2 × में 3, वही आ गया 7 × 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27, और ये नीचे 15 काटेंगे कितना गया 9/5, ये आपको करेक्ट वैल्यू मिल गई। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये आपको तरीका ये भी समझ में आया होगा। एक और तरीका इसका हो सकता है कि आप इस पूरे इक्वेशन को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको टेन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप ऊपर और नीचे कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अगर आप कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में साइन ए, मतलब इसको कहने का मतलब है कि इस पूरे को, मतलब यहाँ के बटे में कॉस ए, 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 ऊपर नीचे कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन में कॉस ए ये क्या हो जाएगा, 3 टेन ए हो जाएगा, प्लस में कॉस ए अपॉन में कॉस ए कट जाएगा, 2 बचेगा। इसी तरह नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 3 टेन ए माइनस में क्या हो जाएगा, 2। अब टेन ए की वैल्यू क्या है, 7/3, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 3 × में 7/3 प्लस में 2 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 3 × में 7/3 माइनस में 2, 3 से 3 कट गया, 7 × 2 = 9 बचा, और 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इन सारे तरीकों में ये तरीका आपका यूनिवर्सल है, ये भी आपका यूनिवर्सल है। ये जो मेथड है टेन ए इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस ए, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके, ये हर एक क्वेश्चन में आपका फॉलो नहीं करेगा। तो ये लिमिटेशंस क्या हैं ये हम आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 8 साइन ए अपॉन में 5 कॉस ए अपॉन में साइन क्यू ए माइनस 2 कॉस क्यू ए प्लस में 7 कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो अब यहाँ पे अगर आप जो टेन ए बराबर में साइन ए अपॉन में कॉस ए वाला फॉर्मूला है वो अगर आप ट्राई करके देखिए तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 1/1 हो गया, मतलब साइन ए बराबर में 1 और कॉस ए बराबर में 1, यही आपको करना है। तो आप रख के देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, साइन ए की वैल्यू 1 होगी तो 8 ही रहेगा, कॉस ए की वैल्यू भी 1 होगी तो 5 रहेगा, अपॉन में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस में 2 कॉस ए का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा प्लस में 7, ऐड करिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 5 = 13 और 7 × 1 = 8, 8 में से 2 गया 6, कितना आंसर आ गया, 13/6। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि ये आंसर कहीं लिखा हुआ हो कि गलती से भी आपका सही हो गया हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का नहीं है, ये गलत तरीका है। जो साइन ए अपॉन में कॉस ए का तरीका है वो हम तभी अप्लाई करते हैं जब आपकी डिग्री सेम होती है, जैसे यहाँ पिछले क्वेश्चन में था कि यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए सब जगह सेम है, यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए तो है लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब ए है और यहाँ पे कॉस क्यूब ए है, इस वजह से आपका तरीका फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसको करने का क्या तरीका बाकी रह जाता है, एक तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना लीजिए 1 1, ये क्या हो जाएगा √2, 1 1 √2। अब आपको बस रखना क्या है कि साइन ए की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 8 × में साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 प्लस में ये क्या हो जाएगा 5 × में 1/√2 अपॉन में साइन क्यूब ए का मतलब क्या हो जाएगा 1/√2, या फिर अगर आप क्यूब करना चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, तो ये 2√2 आ जाएगा, माइनस में 2 × में ये क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 7/√2। अब आपको क्या समझ में आता है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ तो आपकी सेम ही हैं, देखिए √2 √2 है तो ये कितना आ जाएगा 13/√2, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये √3 लिख दिया, √2 होगा, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आप एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 2 = 14, ओके। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, इस √2 से इस रूट ये √2 कट जाएगा, बाकी का ये बचा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, 26/ में यहाँ पे देखिए क्या होगा 14 × 1 = 15, 15 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 13, 13 × 2 = 26, क्या आंसर आ गया इसका 2, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, फर्स्ट ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसे अगर टेन बनाना चाहेंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा, कॉस ए से अगर आप डिवाइड भी करेंगे
तो यहाँ पे जो डिग्रीज़ हैं वो सेम नहीं है, इसलिए वो आपका मेथड फॉलो नहीं करेगा। सीधे आप इस मेथड से करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन बी प्लस कॉस बी अपॉन में साइन बी माइनस में कॉस बी इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 बी माइनस कॉस की पावर 4 बी इज। अगर ये आपके 3 के बराबर है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए साइन बी और कॉस बी के टर्म में। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि इस पूरे नीचे वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर ला करके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस में कॉस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 साइन बी माइनस में 3 कॉस बी, ये हो जाएगा। अब आप कॉस और साइन को एक तरफ कर लीजिए, ऐसे कॉस ये माइनस में, आप इसको इधर ले करके आइए तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह ये साइन है, इसको आप इधर ले करके आइए, घट जाएगा। तो 3 कॉस प्लस 1 कॉस कितना हो जाएगा 4 कॉस बी, ओके, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 साइन बी। अब कॉस को अगर मैं इधर ले करके आऊँ साइन की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन बी। साइन बी अपॉन में कॉस बी क्या हो जाएगा टैन बी, और 2 टू ज़ा 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो टैन बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 बी और कॉस की पावर 4 बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि ये 2 है और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 2 टू ज़ा 4 और ये रूट 5 आ जाएगा। अब आपको साइन की पावर 4 बी निकालना है, साइन की पावर 4 बी का मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 5 और इसकी पावर 4, माइनस में कॉस की पावर 4 भी निकालना है तो 1 अपॉन में रूट 5 और इसकी पावर 4। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं 2 की पावर 4 करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, कितना आ जाएगा 16, और रूट 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसी तरह यहाँ पे करके देखिए 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 25। अब 25 तो कॉमन है, ऊपर नीचे मतलब बेस इनका सेम है, तो 16 में से एक घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, बटे में क्या आ जाएगा 25, 5 से काटेंगे 5 से 15, 25 3 बटे 5, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ओके। अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको पूरा मतलब यहाँ पे आपने जब निकाला फिर इसको टैन में कन्वर्ट कर लीजिए, इस वाले इक्वेशन को लेकर के आप इसको टैन में कन्वर्ट करिए, फिर टैन की वैल्यू आप रख करके देखिए क्या आती है, तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी लेंदी मेथड है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ सी इज़ अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड टैन 2c डॉट टैन 3c इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 5c माइनस 1 इज। कह रहे हैं कि अगर जो c है वो कोई पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो आपको और ये दिया गया है कि टैन 2c डॉट टैन 3c इज इक्वल टू 1 है, मतलब डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन से होता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर आप C की वैल्यू कहीं से फाइंड कर पाएँ तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को कि हम इस इक्वेशन को लेते हैं जो कि लिखा हुआ है tan 2C डॉट tan 3C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको अगर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 2C, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan 3C, और tan 3C 1 अपॉन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cot 3C, ये लिख सकते हैं। अब इस कॉट को अगर मैं कन्वर्ट करूं टैन में तो टैन 2C क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन 90 माइनस में 3C, ओके। टैन टैन जब बराबर है तो आप कह सकते हैं कि 2C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस में 3C, 3C को आप इधर लेकर के आइए, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 5C की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो आप C की वैल्यू मत निकालिएगा कि आप C की वैल्यू 18 निकालिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जो गया है वो 5C में ही टर्म पूछा गया है, तो आप सीधे 5C की वैल्यू 90 यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5C की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1, तो ये 90 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 45, और cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है तो 1 अपॉन में रूट 2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस में क्या जाएगा 1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 कितना गया 0, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन 0 इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब a प्लस sin की पावर 5b इज। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है और कितना टाइम आपको लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको करने के तरीके भी आपको समझ में आए होंगे, कैसे आप दिमाग लगा करके आसानी से स्मार्ट मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके उनको ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।